गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 13 नाउन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, नाउन इन नंबर्स। ठीक है, जनरली जब हम बेसिक में जाएंगे तो नाउन को जनरली व्हाट इज नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग और प्लेस, जिसके बारे में ओवरऑल ये कहा जा सकता है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं हम उसको नाउन्स बोलते हैं। सारे थिंग्स जिसका कोई एग्जिस्टेंस है हम उसको नाउन्स बोलेंगे। और हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स के ऊपर, द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक पर्टिकुलरली किसी का नाम मेंशन किया जाए, फॉर द एवरेस्ट माउंटेन, राम, हरि, गीता, ये सब पर्टिकुलरली जिसका नाम हम मेंशन करेंगे देन हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। और जब एक क्लास या वर्ग के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है हम उसको कॉमन नाउन बोलेंगे, बॉयज, गर्ल्स, क्लास, सिटी, कोई पर्टिकुलर शहर के बारे में नहीं कहा जा रहा है तो इस सब कंडीशंस में हम उसको बोलेंगे एज ए कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लॉक ऑफ सी, ये सब एक समूह, एक नंबर, ह्यूज नंबर्स को जब रिप्रेजेंट किया जाएगा देन हम इसको बोलेंगे द कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब फीलिंग्स के ऊपर रिप्रेजेंट, जैसे कि कोई महसूस करना, जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन जहाँ से कुछ चीज़ को बनाया जाता है, मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच ए थिंग इज मेड, उसका मटेरियल्स नाउन बोलेंगे। तो आज हम देखेंगे नाउन इन नंबर्स। ठीक है, नाउन इन नंबर्स, नाउन को नंबरिकली, न्यूमेरिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज टू टाइप्स, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। डेफिनेशन क्या होगा सिंगुलर नंबर? ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, जिस नाउन में एक पर्सन और थिंग के बारे में बोला जाता है हम उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं या सिंगुलर नंबर बोलते हैं। एंड ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक नाउन जो एक से ज़्यादा पर्सन के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, हम इसको प्लूरल। चाइल्ड इज ए सिंगुलर नाउन, चिल्ड्रन इज ए प्लूरल। ए चाइल्ड मीन्स एक ही बारे में पता जा रहा है, दिस नाउन रिप्रेजेंट ए सिंगल नाउन। चिल्ड्रन प्लूरल है बिकॉज दिस नाउन रिप्रेजेंट द प्लूरल या नंबर ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो जब हम सिंगुलर और प्लूरल को कन्वर्ट करेंगे इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स है। फर्स्ट रूल है, मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इन टू प्लूरल बाय एडिंग एस। कुछ सिंगुलर ऐसे नाउन है इसमें जस्ट हमें जब एस एड कर देते हैं प्लूरल में आ जाता है, चेयर, चेयर्स, ईयर, ईयर्स, टाइगर, टाइगर्स, मूवी, मूवीज, कुछ एग्जाम्पल्स है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, द सिंगुलर नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन है जो एंड होता है एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स में, उसमें लास्ट में हम ई एस ज्वाइन करते हैं, जैसे फिश, फिशेस, फॉक्स, फॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, ये सब है जिसमें मतलब जिस नाउन के लास्ट में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स होता है उसमें लास्ट में हम ई एस ज्वाइन करते हैं। और कुछ वाई से लेकर है, जैसे कि आपका डे दे रखा है, डी ए वाई, डे, और एक है बेबी, यहाँ पे लास्ट नाउन इज एंडिंग विथ वाई, इट इज ऑल्सो एंडिंग विथ वाई, बट इट इज प्रिसीडेड बाय ए वावल एंड इट इज प्रिसीडेड बाय ए कंसोनेंट। तो जब ए वावल से प्रिसीडेड होता है तो वहाँ पे हम जस्ट एस लगा देते हैं, डेज, बॉय, वाई है बट प्रिसीडेड बाय वावल्स तो हो जाएगा बॉयज। सेम थिंग लास्ट वाई बट इट इज प्रिसीडेड बाय ए कंसोनेंट तो वे हो जाएगा बी ए बी आई ई एस, बेबीज। ठीक है, जस्ट वाई के बदले हम आई ई एस को इम्प्लीमेंट करते हैं। डायरी, डायरीज हो गया, चेरी, चेरीज, कैंडी, कैंडीज, बॉडी, बॉडीज, ये सब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ वाई, ये जो रूल्स मैंने बताया व्हिच इज प्रिसीडेड बाय आपका हो जाएगा वावल्स तो जस्ट वहाँ पे एस का यूज होगा। द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई तो वहाँ पे हम वी ई एस का यूज करते हैं, एफ, सी ए एल एफ, सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ एफ तो इसके बदले हम सी ए एल वी एस का हो जाता है, नाइफ, के एन आई एफ ई तो हो जाएगा के एन आई वी ई एस, एफ एंड एफ ई आर रिप्लेस्ड बाय वी ई एस। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें हम जस्ट एफ और एफ ई होने के बाद भी हम एस यूज करते हैं, ड्वाफ, ड्वाफ्स, बिलीव, बिलीव्स, चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, जस्ट एस का यूज किया जाता है। देन द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ ओ प्रेसिडेड बाय कंसोनेंट, ओ से खत्म होगा प्रेसिडेड बाय ओ कंसोनेंट, से वोल्कानो, वो लास्ट लेटर है प्रेसिडेड बाय एन तो उसमें हम क्या करेंगे जस्ट ई एस लगता है, वोल्कानो, वी यू एल सी ए एन ओ, ओ से खत्म हुआ बट इट इज ए कंसोनेंट तो हो जाएगा वोल्कानोस, एन ओ ई एस। मैंगो, एम ए एन जी ओ लास्ट लेटर हो गया, कंसोनेंट्स है एम ए एन जी ओ ई एस,
इज रिप्लेस्ड बाय OES, ठीक है। और कुछ ऐसे है जिसमें हम जस्ट एस का यूज करते हैं, जैसे फोटो फोटोज हो गया, पियानो पियानोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ ओ कैन आइदर एस और ईएस ले सकता है, दोनों, मोटो मोटोज भी हो सकता है और ईएस भी हो सकता है, कमांडो कमांडोज भी हो सकता है और ओईएस भी हो सकता है। और कुछ है जिसको हम चेंजेस करते हैं इरेगुलरली, जैसे फुट, इसमें सिर्फ वॉवल्स का चेंजेस हो जाता है, फुट का हो जाता है फिट, टूथ हो जाता है टिथ, ये सब गोज गीज चाइल्ड चाइल्ड, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं, इरेगुलर इनका सब चेंज होता है, ठीक है। और कुछ द सिंगुलर नाउन्स हैविंग टू और मोर वर्ड्स मीन्स कंपाउंड वर्ड्स, इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसी में चेंजेस होता है प्लूरल फॉर्म में, मेड सर्वेंट, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट्स, मैन ऑफ वॉर प्रिंसिपल और मैन है तो MEN हो जाएगा, कमांडर इन चीफ कमांडर प्रिंसिपल है कमांडर्स होगा, लुकर ऑन लुकर्स, तो जब कंपाउंड वर्ड्स आता है तो उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसी को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। देन सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जो बोथ कंडीशंस में आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में रह सकते हैं, जैसे ड्यूटी सिंगुलर प्लूरल भी सिंगुलर, एयरक्राफ्ट दोनों ही कंडीशन में एयरक्राफ्ट ही होगा, सिप सिप ही होगा, सिप्स नहीं होता उसके लिए कलेक्टिव एफ्लॉक ऑफ सिप यूज करते हैं, इक्विपमेंट इक्विपमेंट होगा, डियर का डियर होगा, स्वाइन का स्वाइन होगा, तो कुछ रूल्स है जिसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो ये चैप्टर को कवर कर पाएंगे, इसमें अलग अलग रूल्स है तो कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को खुद सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।